एवरीवन। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट डन है, ये लास्ट है। तो ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड मैं लिविंग रूम में नीचे ही बैठ गई थी। फिर ना जगह प्रॉपर मिल जाती है, कहीं पे भी रख दो। आप भी ऐसे ही करते होंगे या जैसे भी करते होंगे, यार सबका अपना अपना तरीका होता है। एंड यस, ऑल डन, ऑल डन। तो अभी मुझे क्या करना है, काम कभी खत्म नहीं होते हैं। मैंने अभी अभी सारे कपड़े फोल्ड किए हैं, और आरव का ये पजामा है, ये ना यहाँ से फट गया, उधड़ गया मतलब। हाँ जी, ये देखिए छोटा सा यहाँ पे। और मुझे अभी ये सुई धागे से सेट करना पड़ेगा। हाँ जी, अब ना मुझे ऐसा लगता है मैं टिपिकल हाउसवाइफ बन गई हूँ, है ना। हाँ जी, जैसे मम्मियाँ करती होती है ना घर, मतलब हमारी मम्मियाँ करती थी, तो अभी मैं भी ये सभी काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे। और जैसे आरव को ये कल स्कूल पहन के जाना है, कल आरव का लास्ट डे है स्कूल का, 21st of December है कल को। एंड कल इनके स्कूल में है पजामा डे, है ना आरव। हाँ जी, तो इनको बहुत फन करना है, तो पजामा पहनने का यही मोटिव है कि इंजॉय करो, रिलैक्स रहो, है ना आरव। हाँ जी, तो अभी मुझे जाना है किचन में, किचन भी बुला रही है, 7:45 का टाइम हो रहा है। एंड डिशेस भी करनी है, पर डिशेस अभी रात को ही करूँगी इकट्ठी, या देखती हूँ जैसे भी मूड बनता है मेरा। एंड अनाया को मैंने अभी इसकी कोटी पहना दिया, हम इसको कोटी बोलते हैं, दिखा देती हूँ। एंड अभी उसको कोल्ड है, तो रात को क्या करती है, होता है ना बच्चे की पैर से हटा देते हैं सारा कंबल या कुछ भी, तो मैं इसको ना अच्छे से कवर करके अब सोती हूँ कि अगर इधर उधर हो भी जाए तो ठंड ना लगे एटलीस्ट। ये है अनाया, एंड ये है मेरी बॉटल जो खाली हो गई है, इसको भी फिल करते हैं। जो ये मनी प्लांट है ना, ये बहुत अच्छे से चल गया, मुझे बड़ी खुशी है। पहले ना खराब हो गया था, फिर हमने अलग अलग जगह पे लगाया, अभी ये अच्छे से चल गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा नेहा। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि विनिपेग का टेम्परेचर है आज -27 डिग्री, चिल्ड, सुपर चिल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। प्लीज़ अपने आप को ठंड से बचा कर रखिएगा, क्योंकि बीमार होना किसी को अच्छा नहीं लगता। एंड यस, मैं अभी बता देती हूँ आप सबको, फिर बाद में भूल जाऊँगी। तो टुडे आई एम फीलिंग बेटर, कल मेरे गले में खराश हो रही थी, है ना, मुझे लग रहा था कि मुझे कोल्ड भी हो जाएगा, टच वुड, अभी तक सब कुछ सही है। मैंने बार बार गर्म पानी पिया, मुझे था कि बीमार नहीं होना, बट अभी अनाया अच्छे से ठीक नहीं है, इसको बहुत बैड कफ है, सारी रात सो नहीं पाती है। एंड या कल रात भी 4 बजे उठ के बैठ गई, फिर मैंने इसे इधर उधर लेकर घूमा, तो रो रही थी क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी कि इसे सोया ही नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, चलो हम घूमते हैं, थोड़ा सा इसको रिलैक्स किया मैंने, फिर लेटाया, फिर सोई है। तो चलिए जी, अभी घर के काम शुरू करते हैं, काफ़ी काम हो गए हैं, आरव स्कूल चला गया, आज आरव का लास्ट डे है। तो या फिर मुझे घर पे परेशान करेगा, बट आई एम सुपर मॉम, यही स्पिरिट रखनी पड़ेगी, अदरवाइज परेशान होने का तो कोई फायदा नहीं है। तो चलिए घर के काम शुरू करते हैं। अच्छे से समेट दिया है, अनाया को उसका स्नैक दिया है, कुछ खा ही नहीं रही, फिर मैंने सोचा कुछ तो खाए। एंड अभी टेबल को क्लीन करती हूँ, वैसे क्लीन है, थोड़ा बहुत ही अरेंज करना है।
ये की, मेरी गाड़ी की स्टैंड पे रखते हैं। फ्रूट्स भी खत्म हो रहे हैं, एक सेब रह गया, एक नाशपाती, एक कीवी। एंड ये क्या है, इसको इसमें डाल देते हैं। आज है वेंसडे, तो ये भी आ गई है गार्बेज उठाने के लिए इनकी गाड़ी। मुझे ये था कि इतनी ठंड है कहीं मिस ना कर दें, क्योंकि ठंड की वजह से ना काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अभी मैं आ गई हूँ रूम्स में, थोड़ी सी डस्टिंग कर देते हैं। इस रूम में आजकल कोई नहीं आ रहा, इस रूम में किसी का आना नहीं होता क्योंकि अब सब इकट्ठे सोने लगे हैं। दूसरे बेडरूम में तो एंड मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये देखिए, ये मैं एंटी रिंकल फेशियल सीरम लाई हूँ। पता नहीं मेरा मन किया, हालांकि टचवुड मेरे फेस पे रिंकल्स नहीं हैं, बट इसको लगाने के बाद ना स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अभी मैं आई हूँ किचन में, अभी मुझे डिशेस क्लीन करनी है। डस्टिंग हो गई है, झाड़ू हो गया है, सारा कुछ हो गया है। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है किचन में, लाइट ऑन करते हैं। तो लाइट मैंने ऑन कर ली है एंड अभी मुझे निकालने हैं ग्लव्स, बिकॉज मेरे हाथों पे कट लगने शुरू हो गए हैं। तो ग्लव्स ग्लव्स लगाने ज़रूरी हैं। मैंने ना बैंडेड भी लगाई हुई है, क्योंकि गर्म सर्द है ना, और ठंडियाँ इतनी ज़्यादा हैं, जितनी ज़्यादा बार पानी में हाथ लेके जाते हैं फिर हाथ कटने शुरू हो गए हैं। सो दैट्स नॉट सेफ फॉर मी। यहाँ पर इतनी गंदी ठंड ना, स्किन आपकी टोटली डैमेज होनी शुरू हो जाती है अगर आप ध्यान नहीं रखोगे। टाइम हो गया है 2:10 का, मैं किचन में आ गई थी एंड मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी, एंड साथ साथ में फुलके भी बना लूँगी। ये मैंने सब्ज़ी कट करके रखी है। यस, जनवरी में आई थिंक 4 or 5 को ऐसे कुछ करके जाना है। तो यस, आरव अभी अभी हमें हैंड स्टैंड करके दिखा रहा था, और क्या कर रहे थे, हैंड स्टैंड ब्रिज बना रहा था। तो आरव को जिमनास्टिक का इतना ज्यादा शौक है, कितना भी थकाओ, बट कहते हैं ना, इसके लिए जिमनास्टिक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है ना। ओके, और हम ना आप सभी को कुछ बताना चाहता है, बताओ जी। सो हैंड स्टैंड ब्रिज, इफ यू नो व्हाट हैंड स्टैंड इज, यू डू अ हैंड स्टैंड एंड देन यू लैंड इनटू योर ब्रिज।
If you know what a bridge is. They know bridge. And then you do it all together. Oh, okay. So, yeah, अभी छुट्टियां हो रही हैं तो मम्मा को कितना परेशान करोगे? Like 10 out of 10. Probably. इतना ज़्यादा परेशान करोगे? Well, I'll try my best to not. If I try my best, I'll probably do a 5 out of 10. Okay. So, अब ठंड तो इतनी ज़्यादा है. आज पहाड़ लेके गए थे स्कूल में? Not a single recess. Not a single recess because 27 temperature था, -27 sorry. तो इतनी ठंड में तो बच्चों को बाहर लेकर नहीं जाते, not allowed. And मुझे था अभी कि नहीं लेके जाएंगे. And anything special today in the school? What? Pajama day. We got to bring a blanket and we watched a movie and we were snuggled in our blankets and we got to bring our stuffies. And we got candy at Candyland. And yeah. क्योंकि ये लास्ट दिन था, टीचर्स ने एंजॉय करने दिया. And we got snacks and we got snacks. You got snacks. Okay. So आज अपना पजामा डाल के, ये वाला सेट डाल के गया था, पजामा डे था बिकॉज, और अपना ब्लैंकेट भी लेकर गया था, अपनी स्टफी भी लेकर गया था, बहुत बड़ी सी. तो इसने आज खूब फन किया. हाँ जी. तो कल मेरे को बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना लेके जाना ब्लैंकेट. मैंने कहा इतना बड़ा ब्लैंकेट लेके जाओगे? कहता तो नहीं लेके जाना है. तो मैंने कहा ठीक है. कुछ भूल के तो नहीं आए स्कूल में? ना, क्योंकि एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ आ रहा स्कूल में छोड़ के ही आता है ना. चलो कोई बात नहीं. मेरा शरारती बंदर, ये मेरा शरारती बंदर है, मतलब बंदर इस वजह से कि उछलता कूदता रहता है सारा दिन. तो जी, अनाया हमारी सो गई है, आरव स्कूल से आ गया है एंड खेल रहा है. तो यस, ये था मेरा आज का व्लॉग. आरव की छुट्टियां शुरू हो गई हैं एंड अब ठंड और बढ़ती जाएगी बिकॉज ये क्रिसमस के आसपास, जैसे टुडे इज़ 21st, तो अभी ठंड बहुत एक्सट्रीमली हो जाएगी. तो प्लीज़ ठंड से अपना ध्यान रखिए, अपने आप को बचा कर रखिए. अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही इस ठंड में बाहर जाइए, अदरवाइज़ अवॉइड टू गो आउटसाइड. एंड या इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ. एंड जिनको भी विंटर वेकेशन हुई हैं, सभी को हैप्पी हॉलीडेज़. एंड प्लीज़ बच्चों, अपनी मम्मा को तंग नहीं करना है ना, उनकी बात माननी है, हेल्दी हेल्दी फूड खाना है. तो चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.